समझौते की वजह से सीता को श्री राम से रहना पड़ा था अलग। इस कहानी में हम जानेंगे कि इसका क्या कारण था और इसके पीछे का रहस्य क्या था। चलिए तो पूरी वीडियो में बनी रहिएगा। चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वनवास से लौटने के बाद सीता की पवित्रता पर सवाल उठने लगे। श्री राम ने सीता को छोड़ दिया। सीता को अपने पति राम से दूर जंगल में जाकर रहना पड़ा। यह सब एक तोते के श्राप की वजह से हुआ था। रामायण में श्री राम और सीता के वियोग की कहानी सभी जानते हैं। वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर सीता को राम से अलग रहना पड़ा था। क्या आपको पता है कि ये सब एक तोते की वजह से हुआ था जिसने सीता को अपने पति का वियोग झेलने का श्राप दिया था। सीता जब छोटी थी तब अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नज़र तोते की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया तो तोते ने कहा उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुँह से ये बातें सुनी। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। तब सीता ने कहा कि जिस राजकुमारी की वह बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। ये सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वह उन्हें अपने साथ रखेगी। इस पर तोतों ने कहा कि वे आज़ाद पंछी हैं और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। सीता ने कहा कि वह और भी बातें सुनना चाहती है, इसीलिए उन्हें नहीं जाने देगी। तोतों की जोड़ी ने खूब विनती की मगर सीता ने टस से मस ना हुई। बाद में सीता ने नर तोते से कहा ठीक है, वह उसे छोड़ रही है मगर मादा तोते को वह अपने पास ही रखेगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा ना करे, दोनों के साथ रहने दे। सीता ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना लिया। नर तोता अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है उसी प्रकार सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेगी। कुछ समय बाद तोते ने अपना प्राण त्याग दिया। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा वह पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता को श्राप दिया था। तो यह कहानी थी सीता जी के राम से दूर रहने की। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो एक लाइक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।